हेलो दोस्तों, आज फिर एक और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओला के स्कूटर के बारे में। ओला में अभी 5 नए फीचर अपडेट कर दिए गए हैं, उसके बारे में क्लिक करके हम सभी बातें करने वाले हैं। क्या क्या आज आपके इस ओला के स्कूटर में चेंजेस किए गए हैं और कैसे ये सॉफ्टवेयर आप सब लोगों को मिलेगा, कैसे अभी क्या सब इस स्कूटर के बारे में चल रहा है। पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, ओला के स्कूटर में आपको जो अभी सॉफ्टवेयर दिया गया है ये है मोर OS 2.0 सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिसमें 5 अभी नए फीचर ऐड कर दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मैप मिलेगा, दूसरा आपका म्यूजिक ओपन, आपका स्पीकर में म्यूजिक बजेगा इसके अंदर, अभी म्यूजिक सिस्टम दिया है। तीसरा इसमें आपका क्रूज कंट्रोल अनेबल कर दिया गया है। चौथा आपको ओला की तरफ से अब एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। पाँचवा आपका इसमें एक इको मोड ऐड कर दिया गया है। अभी ये टोटल 5 फीचर आपके स्कूटर में ऐड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी जो ये सभी फीचर है मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम मैप के बारे में बात करेंगे। जो इसमें अभी मैप दिया गया है ये मैप माई इंडिया करके एक सॉफ्टवेयर है, जो एक अलग से टैबलेट भी मैप माई इंडिया का आता है, वो वाला मैप इसमें अभी अनेबल कर दिया गया है। जो कि आपका मैप तो अच्छा है लेकिन वो ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं है, उसमें लैग है, बहुत जंग है, अच्छे से मतलब काम करता है लेकिन जैसे गूगल मैप हमारा काम करता है उतना काम ये नहीं करता। मैप माई इंडिया का इसमें सिस्टम दिया गया है जिसमें आपके अंदर ई सिम लगी हुई है और कंपनी अभी इस टाइम इसके लिए कोई आपको ज़्यादा मतलब चार्ज भी नहीं करी, आपको अभी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अभी जो ये नया अपडेट है ये आप लोगों को अगले 4-5 दिन तक सभी को तकरीबन मिल जाएगा, या तो आप इसको खुद से अपडेट कर पाओगे नहीं तो कंपनी से कोई ना कोई मेंबर आके आपका आके ये अपडेट करके जाएगा। जो इसका अपडेट का जो टोटल डाटा इसमें 815 MB का ये अपडेट दिया गया है। पहले जो कई घंटों में इसका अपडेट होता था लेकिन अभी 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ये स्कूटर का अपडेट हो जाएगा। 20 मिनट के करीबन इसमें टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों इस वैसे इस अपडेट के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आपके स्कूटर में आ जाएंगे, आपका पिकअप भी ओवरऑल पहले से बढ़ जाएगा। इसकी जो ओवरऑल अंदर के जो फीचर्स हैं उसमें काफ़ी चीज़ें लैग काफ़ी कम हो गया, काफ़ी इसमें चेंजेस किए गए हैं। बाकी अब मैं और आपको इसके बारे में बता देता हूँ। दूसरा इसमें आपको जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है वो म्यूजिक सिस्टम तब इसमें आप चला पाओगे, आपको अपना मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ से। जब आपका स्कूटर ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो आप इसमें इसको अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर पाओगे म्यूजिक सिस्टम को, और इसमें जो बटन्स दिए गए हैं उससे भी आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। मोबाइल में जो इसमें स्पीकर दिए हैं वो काफ़ी अच्छा लाउड स्पीकर्स दिए गए हैं, आप अगर कहीं सुनसान खाली जगह में उसको म्यूजिक को चलाओगे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ है, लाउडनेस है, लेकिन उसमें ज़्यादा बेस नहीं दिया गया तो आप नॉर्मल एक सॉन्ग सुन सकते हो लेकिन आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दी गई है, लाउड दी गई है। इसको आप दोनों तरह से ऑपरेट कर पाओगे, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया आपका स्कूटर चलने वाला है म्यूजिक के लिए। तीसरी बात हम दोस्तों करते हैं इसमें क्रूज कंट्रोल की। जो इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया दोस्तों वो 20 किलोमीटर की स्पीड कम से कम होनी चाहिए जब इसका क्रूज कंट्रोल काम करेगा। 20 से ऊपर जाने के बाद आपका क्रूज कंट्रोल काम करने लग जाएगा। जो आपका लेफ्ट हैंड पे बटन दिया गया क्रूज कंट्रोल का, तो क्रूज कंट्रोल प्रॉपर अच्छे से काम करता है, कोई उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं बता दूँ जो क्रूज कंट्रोल है, जो इसमें नया इको मोड दिया गया है, इको मोड में क्रूज कंट्रोल आपका काम नहीं करेगा, बाकी के दो मोड में आपका क्रूज कंट्रोल काम करेगा। तीसरी जो इसमें जो ओला का ऐप दिया गया है दोस्तों, मैं उस ऐप के बारे में बता देता हूँ। ऐप में कुछ ज़्यादा बड़े आपको फंक्शंस नहीं दिए गए, ज़्यादा फीचर नहीं है। ऐप से आप ना स्कूटर को अपने को लॉक और अनलॉक कर पाओगे। दूसरा इसमें आपका जो बूट स्पेस है जिसको ट्रंक बोलते हैं वो भी आपका ऐप से ही मोबाइल ऐप से ओपन हो जाएगा। बाकी आपकी स्कूटर की और डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी रेंज कितनी है स्कूटर की, अभी ये कितना जा सकता है, कितना इसमें बैटरी है, वो सब सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल में देख पाओगे। लेकिन ऐप का भी मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, वो इंटरनेट से नहीं, ऐप भी आपका मोबाइल के ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होगा, तब वो आपका ऐप काम करने वाला है। फिर इसमें पांचवा जो सिस्टम दिया गया दोस्तों, इको मोड वाला जो पांचवा फीचर दिया गया है, इको मोड में आपको पिकअप ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, पिकअप बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कंपनी बोल रही है इसमें आपको रेंज मिलेगी 140-140 किलोमीटर तक आपका स्कूटर जाएगा,
बट एक्चुअल में जो आपको रेंज मिलने वाली है 110 से 120, क्योंकि आप लोकल में भी अपना मार्केटिंग में स्कूटर चलाओगे, क्योंकि हाईवे पे चलाओगे और एक स्पीड मेंटेन करके चलाओगे इको मोड पे, तो आप ज़्यादा माइलेज मतलब इसकी रेंज निकाल सकते हो। लेकिन जैसे हम ओवरऑल फुल डे जैसे अपना स्कूटर चलाते हैं तो उसमें आपकी रेंज आप 110 से 120 किलोमीटर मान के चलो, उससे ज़्यादा मत मानना। इको मोड में जो आपका स्कूटर की स्पीड है वैसे वह 40 है, 40 की स्पीड दी हुई है, लेकिन 40 और 41 तक ये चला जाता है, लेकिन रिटर्न फिर 40 पे आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी इको मोड पे कोई स्पीड नहीं आने वाली। ये सब 5 मेन इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जो भी पुराने बिल्कुल पुराने स्टार्टिंग के स्कूटर हैं शायद उसमें अपडेट नहीं होगा, लेकिन जो अभी नए स्कूटर हैं या कुछ टाइम पहले अभी दिए गए उसमें सब नए अपडेट आप सबको मिल जाएगा। ये अपडेट के साथ ये जो स्कूटर है अभी ये बेटा वर्जन में है, जो कुछ यूट्यूबर्स को दिया गया है या कुछ नए कस्टमर को ये बेटा वर्जन वाला स्कूटर भी प्रोवाइड कुछ लोगों को दिया गया है, ताकि इसकी अच्छे से चेकिंग हो सके कि ये स्कूटर अभी इसमें कोई लैग है या कोई प्रॉब्लम्स है तो कंपनी उसमें सुधार करने के लिए टाइम चाहेगी। नहीं तो अगर ये अगर सही सक्सेसफुल रहा तो आपको अगले महीने जून के महीने से ये सॉफ्टवेयर के साथ आपको नया स्कूटर भी मिल जाएगा और 2-4 दिन में आपके सभी के स्कूटर में अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको पता है कि ओला का स्कूटर इतना ज़्यादा रिलायबल तो नहीं रहा है, इसकी फिट फिनिश की बात कर लो, मोटर की बात कर लो, इसकी बैटरी ड्रेन की बात कर लो, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी हम इस पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते स्कूटर पर दोस्तों, कि हम इसको आँख बंद करके भी ले सकें, मार्केट में इसको चलने दो, कम से कम इसके 2-4-6 महीने से महीने लगने दो नए स्कूटर के, इसके वर्जन को चलने दो इस अपडेट को, उसके बाद लोगों के क्या व्यूज आएंगे, रिव्यू आएंगे, उसके बाद हम कहीं जाके इसमें सोच सकते हैं कि हम इसके बारे में कुछ सोचें कि हमें स्कूटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ओला ने हमारा ऑलमोस्ट जो है दिल तोड़ दिया है स्कूटर के लिए, जो लोगों ने स्कूटर लिया था वो बहुत पछता रहे हैं कि उनके सब पैसे वो हो गए हैं। मैंने भी अपना स्कूटर बुक करा रखा, लेकिन मैं इसको अभी लेना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो, जब तक लोगों के रिव्यू हमें नहीं मिलेंगे अच्छी तरह से, हमारे को विश्वास नहीं होगा कि ये स्कूटर चलने लायक है कि नहीं, तब तक हमें स्कूटर नहीं लेना चाहिए। कभी आप लोग सोचोगे अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे नए फीचर दे दिए हैं और हम ये स्कूटर ले लें, बिल्कुल आप ये गलती अब की बार बिल्कुल मत करना। तो जब तक नए लोगों के पास जो स्कूटर अभी चल रहा है वो सब तक इसको बोलना दें हाँ भाई स्कूटर ओके है, तब तक रिव्यू आने तक हमें वेट करना होगा। बाकी तो आप इसके बारे में जानते हैं, स्कूटर में क्या क्या फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, इसमें 12 इंच का टायर वगैरह, बाकी डिटेल में तो और लोगों ने बहुत सारी वीडियो इसमें पहले ही बना रखी है, लेकिन आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है 5 नए जो फीचर आए हैं आपके, मैप की, मैप मैंने बता दिया, मैप माई इंडिया का है, म्यूजिक है इसमें, ओपन स्पीकर आपको दिया गया है, क्रूज कंट्रोल है वो काम करता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और ओला का जो एप्लीकेशन है उसमें भी ज़्यादा कोई ज़्यादा फीचर नहीं, 1-2 फीचर ही दिए गए, और 5वां आपका इको मोड, ये 5 फीचर पे आज हमने बात करी है, यही सब इसमें है। और ये सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से मिलने वाला है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी से आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, सिर्फ मैप माई इंडिया की खुद की उसमें एक ई सिम लगी है जिससे मैप माई इंडिया चलता है, क्योंकि मैप माई इंडिया आप मार्केट से वैसे भी खरीद सकते हो टैबलेट लेके, अब वो लैगी है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है मैप। तो दोस्तों ये सारी बात थी आज के इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा जानकारी आपको सारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।